जहां पर सड़क पर घूमने वाले पशुओं के लिए योजना बनाई गई है, रोका छेका योजना। इसको लेकर सरकार की मंशा थी कि योजना से सड़क के आवारा पशुओं को ठिकाना मिल जाएगा तो वहीं दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी, लेकिन सूरजपुर में इस योजना का हाल बेहाल है, जिसके चलते सड़कों पर जगह जगह झुंड बनाकर बैठे पशु नजर आते हैं। जबकि नगर पालिका की कॉ कैचर गाड़ी सिर्फ खाना पूर्ति करके चली जाती है। इस पर नगर पालिका उपाध्यक्ष सितेश गुप्ता का कहना है कि कांजी हाउस न होने के कारण दिक्कत हो रही थी। अब देखना होगा कि नगर पालिका कब तक इस रोका छेका योजना को जमीन पर उतार पाती है। अपील की है, पशु मालिकों को भी बोला है कि आप अपने मवेशियों को अपने घर में ही रखें, और पशु मालिक भी उसमें उस संकल्प पत्र को भर के दिए हैं। हमारे पास सर्वे कराया था जिसमें 754 पशु मालिक हैं और 2929 लगभग 3000 पशु हैं, निश्चित रूप से 3000 गाय है, जिससे ये परिलक्षित होता है कि लगभग 1500 गाय लावारिस की स्थिति में है, इसलिए समस्याएं गंभीर हैं और इसको ठीक किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका योजना पर अब सवाल उठ रहे हैं कि जो पशु हैं, तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं, आवारा मवेशी खुलेआम सड़कों पर घूमते हुए, सड़कों पर लूट मारते हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें ऐसे में वाहन चालकों के लिए एक जान का खतरा अक्सर बना रहता है, क्योंकि जो वाहन चालक होते हैं वो सड़क पर अपने वाहनों को लेकर निकलते हैं और कहीं भी ये पशु सामने खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते कई लोगों की जान भी चली जाती है। दिलशाद अहमद मेरे सहयोगी सूरजपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलशाद, बड़े जोर शोर से शुरू की गई थी छत्तीसगढ़ में रोका छेका योजना, लेकिन अब तो यहाँ सूरजपुर की सड़कों पर धूल खाती योजना नजर आ रही है, खुलेआम पशु सड़क पर घूम रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, यहाँ सूरजपुर की बात की है तो सूरजपुर ही बहुत बड़े स्तर पर इसका शुरुआत की गई थी, पूरे जो यहाँ के बड़े नेता थे इसकी शुरुआत में शामिल हुए, लेकिन जिस तरह से मवेशी और मवेशी सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं, उससे जिस तरह से एक्सीडेंट की दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है, इसके लिए जो आम जनता जी लगा था कि इस योजना से हमें राहत मिलेगी, लेकिन वो कहीं भी राहत नजर नहीं आ रही है। दुर्घटना के कारण हमेशा बना रहता है, हमेशा दुर्घटना होने की भी संभावना बनी हुई है, दुर्घटना होती भी रहती है। लेकिन नगर पालिका की बात की जाए, यहाँ की जो है उनके सप्ताह में एक आध बार अगर उन आवारा मवेशियों को उठाकर कहीं ले जाकर जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर वो वापस वहीं आ जाते हैं और फिर उसी जगह से पूरे सड़क पर जमावड़ा बनाए रहते हैं, सड़क पर जाम लगाए रहते हैं, और जिसके कारण जो जो इनके मालिक को भी फिक्र पड़े होते हैं, लेकिन को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कि उनके उनके जो जो मवेशी कहीं है, मतलब इसलिए कि सूरजपुर हमेशा दुर्घटना का कारण बना रहता है और दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। कहा है वो जिम्मेदार जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं पशु सुरक्षा को लेकर मीडिया में आके। जी, इसी की हमने जो बात की यहाँ नगर पालिका के CMO से, उनका कहना है कि नहीं, अब हम जल्द ही फिर कड़ा रुख अपनाएंगे, और जो जितने भी मवेशी के मालिक हैं उनका नाम जो उनका एंट्री कर लिया गया है, और उनको तो बता आऊंगा आपके पास आऊंगा, बने रहिए दिलशाद। बिमलेश दत्त तिवारी प्रदेश महामंत्री किसान कांग्रेस के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विमलेश जी स्वागत है, सुन रहे हैं मुझे? जी जी धन्यवाद। रोका छेका योजना सूरजपुर की सड़कों पर कारगर साबित नहीं हो रही है सर, खुलेआम मवेशी घूम रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोका छेका अभियान ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। शहरी क्षेत्रों में काजी हाउस ना होने की वजह से, काजी हाउस छोटा होने की वजह से थोड़ी दिक्कतों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल की यशस्वी सरकार इस दिशा में भी कदम उठाते हुए इस पर काबू पा लेगी और एक बहुत अच्छी योजना सफल योजना साबित होगी। तो आपको जानकारी होगी छत्तीसगढ़ में किन किन जगह काजी हाउस नहीं है या पशुओं को रखने की व्यवस्था नहीं है, और कब तक कितने समय के अंतराल में इन सब व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाएगा? इसका जो प्रक्रिया चल ही रहा था, इसी बीच कोरोना का जो मार है दंश लगभग सभी स्टेट को झेलना पड़ रहा है, और नगरीय क्षेत्रों में थोड़ी सी समस्या है काजी हाउस को लेकर के। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बातें नहीं है कि पशु आवारा घूम रहे हैं वहाँ गौशाला में। आपको बताया इस देश में आवारा मवेशियों की वजह से कितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं? काफी होती है, एक्चुअल आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी काफी होती है, इस बात से मैं सहमत हूँ। चलो, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं होंगी और सड़कों पर जो आवारा मवेशी घूमते हैं कांजी हाउस पर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया विमलेश जी तमाम सारी जानकारी हमारे बीच रखने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिलशाद अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।